तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरे सारे के सारे दोस्त फिर से आ चुके हैं और आज हम फिर से खेलने वाले मैजिकल बुक। और उस बुक के अंदर हम जो भी चीज बनाएंगे वो रियल लाइफ में आ जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा मजेदार वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम यहाँ पर एक ऐसे बंदे को बुलाएंगे जो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। फिलहाल भाई यहाँ पर मैं टकला हो चुका हूँ क्योंकि हमारे लॉस सैंटोस में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए मैं यहाँ पर टकला हो गया हूँ। तो यहाँ पर शिनचैन, तो तेरे को मेरी नई लुक कैसे लग रही है? ओह, ये तो काफी ज्यादा बेकार लग रहा है फ्रैंकलिन, तुम तो फालतू में गंदे हो गए। तुम्हारे काले बाल तुम्हारे काले बदन पे बहुत ज्यादा सूट करते हैं। नहीं फ्रैंकलिन, तुम टकले ही अच्छे लगते हो, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बात तो सही है यार, हम दोनों टकले टकले है ना। हाँ तभी तेरे को मेरी लुक पसंद आ रही है। हल्क, तेरे को मेरी नई लुक कैसी लगी? एकदम बकवास, कोई कभी टकला होता है क्या? टकला होके कौन बढ़िया दिखता है, तुम तो एकदम अंडे की तरह लग रहे हो। अरे भाई इतनी भी बेइज्जती मत कर हल्क मेरी, वैसे भी मेरे बाल एक या दो दिन के अंदर आ जाएंगे। फिलहाल भाई मैं आपको बताता हूँ कि आज हम किसको बुलाने वाले हैं रियल लाइफ में। आज हम बुलाएंगे फ्री फायर के डीजे आलोक को। जी हाँ दोस्तों, आज हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले डीजे आलोक को। तो मैं फटाफट से ड्राइंग बुक निकालता हूँ और ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं अपने मैजिकल बुक में और यहाँ पर आज हम बनाने वाले डीजे आलोक को। तो मैं आपको बता दूं भाई, डीजे आलोक काफी ज्यादा मुश्किल करेक्टर है। मतलब ये भाई इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए भाई इसको मैं ही बना रहा हूँ और मैं किसी को बनाने नहीं दे रहा हूँ। ओह फ्रैंकलिन, ऐसा मत बोलो, मेरे को तो बनाना आता है। तुम एक बारी मुझे कहो तो सही, मैं यहाँ पर तुमसे भी बढ़िया डीजे आलोक को बुलाऊंगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि डीजे आलोक मेरा फेवरेट कैरेक्टर है फ्री फायर में से, और इसकी जो स्किल्स जो एबिलिटी है ना वो एकदम ही खतरनाक है। इसलिए भाई यहाँ पर मैं इसको अकेले ही बनाऊंगा और किसी को भी बनाने नहीं दूंगा। तो फिलहाल भाई ये मैंने उसका थोड़ा सा खोपड़ा बना दिया है, खोपड़ा बोले तो उसका सर बना दिया है। और यहाँ पर मैं उसके बना रहा हूँ छोटे छोटे गॉगल्स, क्योंकि भाई यहाँ पर जो हमारा करेक्टर है वो चश्मा पाता है और ये चश्मा उस पर काफ़ी सूट भी करता है। तो यहाँ पर मैं उसकी चश्मे की लाइन बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और एक लाइन यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है भाई। और एक नीचे की तरफ भी छोटी सी मैं सोच रहा हूँ बना देते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ। यार इसको बनाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये वाला करेक्टर काफ़ी ज़्यादा हार्ड करेक्टर है, इसलिए भाई इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन आज तो हम इसको बना के रहेंगे। और सोचने की बात तो ये कि इसके अंदर कौन कौन सी पावर होगी और कौन कौन सी पावर रियल लाइफ में आ पाएगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी भाई आँख और नाक तो बना दी है और यहाँ पर हम उसके बना रहे दाढ़ी, क्योंकि डीजे आलोक की बहुत बढ़िया दाढ़ी है तो इसकी भी हम दाढ़ी बना देते हैं। और यहाँ पर इसका हाँ मुँह भी तो बनाना भाई, जहाँ से ये बोलेगा, नहीं तो ये भाई गूंगा आ जाएगा, इसलिए इसका मुँह बनाना ज़रूरी है। खैर भाई यहाँ पर लगभग हमारा जो करेक्टर है वो तैयार हो चुका है, मतलब इसका मुँह तैयार हो चुका है। अभी तो भाई इस पर काफ़ी कुछ हमें बनाना है, ठीक है भाई। यहाँ पर मेरे ख्याल से इसका मुंह तो तैयार हो गया है, अब यहाँ पर मुझे इसके बाल बनाने। यार डीजे आलोक के बाल ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बड़े लंबे लंबे बाल रखता है ये बंदा, तो इसलिए हम भी इसके लंबे लंबे बाल बनाएंगे। हाँ ठीक है, अब मुझे बढ़िया लग रहा है। ओह ये तो अभी कितना ज्यादा बेकार लग रहा है, इससे बढ़िया तो मैं ही बना लेता। अरे तू चुप तो रह एक मिनट, मुझे बनाने तो दे, अभी देखते रहे। धीरे धीरे जब ये बन जाएगा ना तो तेरे को भी बढ़िया लगने लगेगा। तो भाई यहाँ पर अब मेरे ख्याल से उसका जो बाल वगैरह भी मैंने सेट कर दिए, हाँ इतने बाल मेरे ख्याल से काफी होंगे। तो अब बस इसका हमें नीचे के हिस्से पे काम करना है। वैसे भाई इसकी जैकेट है ना वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जैकेट यार इतनी ज्यादा कूल लगती है ना। हालांकि मार्केट में मैंने पता करा था कि इसकी जैकेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन भाई उनके पास डीजे आलोक की कोई जैकेट ही नहीं पड़ी, इसलिए मेरे पास भी डीजे आलोक की कोई जैकेट नहीं है। खैर भाई यहाँ पर हमने चश्मा थोड़ा सा उसका बिगाड़ दिया, लेकिन वो ठीक कर दिया मैंने दोबारा से। और ये देखो भाई, अब हम इसके कपड़े भी बना रहे हैं। अगर भाई आप लोग को भी डीजे आलोक करेक्टर पसंद है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो मेरे चैनल को पहली बार ही देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी करेक्टर लेके आएंगे रियल लाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा कूल होंगे। तो अभी तो फिलहाल भाई यहाँ पर मैंने इसका जो है गर्दन भी मैंने बना दी है, और ये उसके कॉलर है, इसके कॉलर बहुत बड़े बड़े होते हैं,
ठीक है, इसकी जैकेट भी वैसे बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए हम जैकेट भी काफी बड़ी बड़ी बनाने वाले हैं। भाई साहब अगर ये बंदा रियल लाइफ में बन के आ गया ना तो मजा आ जाएगा, और देखेंगे कि GTA 5 में जब ये बंदा रियल लाइफ में आता है तो क्या धूम मचाता है, क्योंकि फ्री फायर में तो भाई इसने धूम मचा के रखी हुई थी, तो इस बार ही देखते ये GTA 5 में जब आएगा तो कितनी ज्यादा तबाही मचाएगा। फिलहाल भाई यहाँ पर मैं इसके हाथ बना रहा हूँ, एक मिनट, हाँ ये ठीक है, तो एक मिनट अब बस यहाँ पर इसका थोड़ा सा काम रहता है। वैसे मुझे लगा था कि मैं इसको शायद से नहीं बना पाऊंगा क्योंकि काफ़ी मुश्किल करेक्टर है, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसको मैं भाई बना लूँगा, वो भी काफ़ी आसान तरीके से। वैसे सोचने वाली बात ये है कि जब ये रियल लाइफ में आएगा तो कौन कौन सी पावर लेके आएगा। एक तो भाई ये बहुत ज़्यादा तेज भागेगा, वो तो पावर कन्फर्म है, और दूसरा भाई क्या पता ये इसके पास कौन सी नई नई पावर हो, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। एक मिनट भाई साहब, यहाँ पर इसका हाथ एकदम खराब हो गया। ओह फ्रैंकलिन, तुम तो एकदम बेकार बना रहे हो, तुम एक काम क्यों नहीं करते, मुझे बनाने के लिए दे दो ना, मुझे वैसे बनाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। अरे मजा तो मुझे भी आ रहा है इसको बनाने में, और ये काफी बढ़िया लग रहा है, बस तू अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रख, तू जितना चुप बैठा रहेगा ना मेरा करेक्टर उतना सुंदर बनेगा। तो गाइस भाई यहाँ पर मैंने इसका हाथ तो बना दिया है, अब जैसा भी बना है ठीक है, मेरे को पता है थोड़ा हाथ गड़बड़ा गया है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतने से काम चल जाएगा। हमें बस यहाँ पर इसको इस तरह दिखाना है कि देख के पता लग जाए कि ये DJ आलोक है, ताकि ये रियल लाइफ में आ जाए। बस भाई अब इसका थोड़ा सा काम रह चुका है, हमने मेरे ख्याल से सारा का सारा काम खत्म कर दिया है, बस थोड़ा सा काम रह गया है, इसके जैकेट का काम रह गया है, और साथ ही साथ भाई यहाँ पर इसके दूसरे हाथ का काम रह गया है, और उसके बाद हमारा ये वाला करेक्टर भी रेडी हो जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पर गलती बहुत हो रही है, एक तो भाई यहाँ पर मैं आपसे बात करे जा रहा हूँ, मेरा ध्यान यहाँ वहाँ भटके जा रहा है, इसलिए यार कभी कभी करेक्टर ना थोड़ा सा खराब बन जाता है। लेकिन अभी तक के लिए भाई मेरे को लग रहा है इसकी जैकेट काफी बढ़िया मैंने बना दी है, हाँ देख के तो लग ही रहा है कि भाई ये DJ आलोक जैसा लग रहा है। एक मिनट भाई, इसका ये वाला हाथ मेरे को ढंग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हाथ ना काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। एक मिनट, ये यहाँ से एक लाइन गई, ठीक है यार। एक तो भाई इसको बनाने में टाइम बहुत लग रहा है, इतने में तो भाई हम क्या कुछ नहीं बना लेते, इतने में यहाँ पर हम बेंटेन को बना लेते, इतने में यहाँ पर हम सोने की गाड़ी बना लेते, इतने में यहाँ पर हम कुछ भी बना सकते थे, लेकिन भाई इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये वाला करेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल करेक्टर है। एक तो भाई साहब इसकी जैकेट देख लो कितनी ज़्यादा मुश्किल है। अरे फ्रैंकलिन ये क्या बना रहे हो, उसका हाथ तो एकदम छोटा सा बच्चे की तरह लग रहा है, इससे बड़े बड़े हाथ तो मेरे ही है। हाँ हाँ, तेरे को तो हर जगह बस मेरी बेइज्जती करनी है, कभी ये नहीं बोलेगा फ्रैंकलिन कि तेरी ड्राइंग कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, हमेशा मेरी ड्राइंग की बेइज्जती करता जाएगा, और खुद की ड्राइंग तो एकदम ही बकवास है। ओह जब तुम्हारी ड्राइंग बकवास है तो बकवास ही बोलूंगा ना, कभी बढ़िया बनाओगे तब तो मैं बढ़िया बोलूंगा। सीधा बोलना, तेरे को मेरे से काफी ज्यादा जलन होती है क्योंकि मेरी ड्राइंग एकदम ही बढ़िया है। तो गाइस भाई यहाँ पर लगभग हमारा काम खत्म होने वाला है। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसकी बेल्ट बना लूँ, क्योंकि हमारा DJ आलोक बिना बेल्ट के अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो इसकी पैंट बस गिरती जाएगी, इसलिए बेल्ट भी बनाना बहुत जरूरी है। लो भाई इसकी मैंने बेल्ट भी बना दी है, एक मिनट यहाँ से इसको इरेज करना पड़ेगा। हाँ अब भाई इसके यहाँ पर पैंट भी रेडी कर दिया मैंने, पैंट नहीं अभी तो मैंने इसकी बेल्ट रेडी करी है, और यहाँ से हम इसकी पैंट भी बना देते हैं, नहीं तो ये नंगा ही आ जाएगा, इसलिए इसको भाई यहाँ पर पैंट बनानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर हमारा करेक्टर एकदम रेडी हो चुका है, अब बस हमें इसको पेंट करना है। वैसे इसको पेंट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हम ना हर जगह पे ब्लैक और येलो का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा DJ आलोक पूरा ब्लैक में रहता है, लगता है इसको काला रंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो फिलहाल भाई यहाँ पर हमारा करेक्टर एकदम रेडी हो चुका है, तो अब इसे फटाफट से पेंट कर देते हैं। तो सबसे पहले भाई हम इसके बालों को रंग करेंगे, और इसके बाल ना भूरे रंग के, तो यहाँ पर हम इसके बाल भूरे रंग के पेंट कर देते हैं। ठीक है भाई साहब, कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, और इसके चश्मे लाल रंग के हम भाई पेंट कर देते, कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है, देख रहे हो भाई साहब, मतलब भाई इसका चश्मा कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। एक मिनट यार, यहाँ पर इसकी यार जो जैकेट है ना, मैं बिल्कुल भी काले रंग की नहीं करूँगा, इसको हम थोड़ा ना ग्रे रंग का रहने देंगे, ताकि ये उतना ज़्यादा बढ़िया लगे, देख रहे हो भाई
काले से बढ़िया ग्रे रंग मेरे पे इस पे बढ़िया लग रहा है, तो यही हम पूरे जैकेट में करने वाले। और भाई इसको ना काला रंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसलिए हर जगह हम इसे काला पेंट करने वाले। खाली कुछ कुछ जगहों में हम येलो पेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से हाँ ये बढ़िया है, एक मिनट यहाँ पर भी लगा दो, ठीक है। और ये दस्ताने में भी, ठीक है, यहाँ पर ये लगभग रेडी हो चुका है। और हमें बस अब येलो पेंट करना है जहाँ जहाँ रह गया है। तो पहले इधर, ठीक है, और इधर भी एक, इधर और ये, यहाँ पर और इधर, ठीक है भाई। यहाँ पर थोड़ी सी जगह में मेरे को काला दोबारा पेंट करना होगा, ठीक है। लो भाई साहब, यहाँ पर जो हमारा डीजे आलोक है वो एकदम रेडी हो चुका है। और देखते भाई जब ये रियल लाइफ में आएगा तो ये कितना ज्यादा ओपी लगेगा। अभी तो ओपी लग ही रहा है, और देखते रियल लाइफ में कितना ज्यादा ओपी लगता है। तो देखते ओ भाई साहब, यहाँ पर हमारा डीजे आलोक आ चुका है। ओ भाई साहब, इसकी लुक देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। हेलो दोस्तों, क्या तुमने मुझे बुलाया? हाँ हाँ भाई साहब, हमने तुझे बुलाया, और तू तो कितना ज्यादा ओपी है। हाँ ओपी तो मैं हूँ, और मेरे पास कुछ सुपर पावर भी है, क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, हम तेरी सुपर पावर देखना चाहेंगे। तो कौन कौन सी सुपर पावर है तेरे पास? पहली पावर तो मेरी सबसे ज्यादा तेज भागने की है, मैं पलक झपकते यहाँ से वहाँ पहुँच सकता हूँ। ओह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, तुम्हें तो स्कूल जाने में काफी ज्यादा फायदा होता होगा ना इससे। ओह तुम्हें बताना भूल गया, मैं स्कूल नहीं पढ़ता, मैंने स्कूल तो कब का छोड़ दिया, अब मैं बच्चा थोड़ना हूँ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो डीजे आलोक हो ना, तुम्हें स्कूल जाके क्या करना, और तुम्हारी स्पीड तो सही में काफी ज्यादा तेज है। वैसे तुम अभी कहाँ जा रहे हो? अरे वहाँ पर मुझे कहीं गोलियों की आवाज़ आ रही है, तुम्हें तो पता ही है मुझे गोलियों की आवाज़ सुन के कितना ज्यादा मजा आता है। हाँ बिल्कुल हमें तो पता ही है, क्योंकि तुम फ्री फायर में जो थे, फ्री फायर में तो तुमने बहुत लोग को मारा है। हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूँ मेरे पास काफी मैजिकल गन भी है। क्या मैजिकल गन? कौन कौन सी मैजिकल गन है तुम्हारे पास? हाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी मैजिकल गन है। ये वाली जो गन है मेरे पास, उसको मैं कहता हूँ बूम गन, क्योंकि इससे मैं कहीं भी मारता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि तुम देख रहे हो। अरे वाह ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मतलब तुम्हारी जो बंदूक से गोलियां नॉर्मल नहीं निकलती, उनमें से ग्रेनेड निकलते है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मेरी इस बंदूक से गोलियां नहीं बड़े बड़े ग्रेनेड निकलते हैं, जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं। वैसे मेरे पास और भी काफी ज्यादा मैजिकल गन है, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके सब दिखाता जाऊंगा। फिलहाल तो भाई यहाँ पर गुंडे काफी ज्यादा है, मैं उन्हें भी थोड़ा सबक सिखा दूँ। वैसे यहाँ पर भी काफी ज्यादा लोग हैं जिन्हें मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। वैसे भी अगर इस टावर में रहता ना, तो यहाँ पर कोई भी गुंडा नहीं बसता, क्योंकि उनको पता ही होता कि डीजे आलोक कितना ज्यादा खतरनाक है, और मेरे होते होते यहाँ पर कोई और गुंडा पैदा हो ही नहीं सकता। और बातों में मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरे पास दूसरी गन है जिसका नाम है मैग्नेट गन। ओह मैग्नेट गन, अब उससे क्या होता है हमें भी बताओ ना। इससे तुम किसी को भी अपने पास बुला सकते हो, और उसे दूर भी भेज सकते हो, देखा तुमने? ओह मैंने देखा तुमने कैसे उसको अपने पास बुलाया, और उसके बाद उसे बहुत दूर भी फेंक दिया। हाँ बिल्कुल, अब देखो यहाँ पर मैं किसी को भी हवा में उठा सकता हूँ, उसे कहीं भी फेंक सकता हूँ, ये देखो। ओह यहाँ पर तो बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। एक मिनट में इसे थोड़ा सबक सिखा देता हूँ। ये देखो मैंने कितनी बड़ी गाड़ी को अपने पास बुला लिया, और इसको मैं कहीं भी फेंक सकता हूँ, देखा तुमने कितनी ज्यादा दूर चले गए थे वो। और ये देखो यहाँ पर दो तीन लोग हैं, मैं उन्हें भी थोड़ा सबक सिखा दूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर तो कितने ज्यादा लोग हैं, तुम्हारे लॉस सैंटोस में तो काफी ज्यादा क्राइम बढ़ चुका है, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? हाँ हल्क तो चाहता है कि वो सबको मारे, लेकिन यहाँ पर कोई उसे मारने देता नहीं। ओहो हल्क तुम सबको मार दिया करो, जो भी तुम्हें लगता है बुरा इंसान है उन्हें तुम मार के फेंक दिया करो, जैसे मैं करता हूँ फ्री फायर में, जो भी बुरे लोग होते हैं मैं उन्हें मार के फेंक देता हूँ, जैसे कि तुमने देखा। एक मिनट यहाँ पर एक बंदा मुझे परेशान कर रहा है काफी टाइम से, ये लो अब जाके उसे थोड़ा सबक मिलेगा। वैसे मैं तुम्हें अपनी तीसरी गन के बारे में बताना भूल ही गया, इसका नाम है टेलीपोर्ट गन, इससे मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जैसे कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, सामने की तरफ गाड़ी है ना, मैं तुम्हें वहाँ जाके दिखाता हूँ। देखा मैं पलक झपकते यहाँ पर पहुँच गया, और गाड़ी यहाँ से भाग गई। तो यही है इस गन का फायदा, इससे मैं पलक झपकते ही देखो कितनी ज्यादा ऊपर चल जाऊंगा। देखा तुमने मैं छत के ऊपर आ भी गया, और किसी को पता भी नहीं लगा। ये मैं तब यूज करता हूँ जब मुझे बहुत ज्यादा तेज चलना होता है। कभी कभी क्या होता है ऐसी जगह में आप भाग नहीं सकते, वहाँ पर ढेर सारा ट्रैफिक होता है, इसलिए मैं इस गन का यूज करता हूँ। इससे मैं पलक झपकते ही जहाँ मर्जी जा सकता हूँ। लेकिन एक मिनट मैं तो काफी ज्यादा दूर आ गया अपने दोस्तों से। एक मिनट फ्रैंकलिन शिनचैन कहाँ चले गए? अरे यार वो तो बातों ही बातों में मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ।
लगता है यहाँ पर मैं उनसे काफी ज्यादा दूर आ चुका हूँ। ओहो, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। पता नहीं उन्हें पावर दिखाने के चक्कर में मैं कितना ज्यादा दूर आ गया। लगता मैं उनसे दोबारा नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूँ ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी सुपर पावर दिखाता रहता हूँ। वैसे अगर आपको अभी तक मेरी जो सुपर पावर है पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। पर अभी मैं आपको सामने जो क्रेन दिख रहा है वहाँ जाके दिखाऊंगा। एक मिनट, देखा मैं वहाँ पर पहुँच भी गया और वो भी पलक झपकते। एक मिनट में आपको क्रेन के ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। देखा दोस्तों, मैं पलक झपकते क्रेन के ऊपर भी चढ़ गया था। तो इस गन का काफी ज्यादा फायदा होता है कि आप पलक झपकते ही जहाँ पर जाना चाहते हो वो इस गन से आप यूज कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको मेरी पावर है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर देना, डीजे आलोक के लिए एक धमाकेदार लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।